है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी साथी दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से नहीं जुड़े अभी तक, तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस आप प्ले स्टोर में जाकर के दोस्तों ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया कोर्स चल रहा है यहाँ पर। जिन भी साथियों को दोस्तों लाइव क्लास पढ़ना है, वीडियो कोर्स देखना है और हिंदी साहित्य को बड़े ट्रिक से पढ़ना है, तो इस टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर केबीएस यानी कि हिंदी साहित्य संपूर्ण वाले इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 1500 रुपए में दोस्तों 12 महीने की वैलिडिटी के साथ इसमें एडमिशन लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों पंजाब मास्टर कैडर के लिए मैंने मॉडल पेपर लॉन्च किए हैं। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी कितनी हो रही है इसकी जानकारी के लिए, इसकी जांच के लिए ये मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। 30 मॉडल पेपर 599 में दोस्तों ये लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। अब जो भी हमारे साथी हैं जिनको भी दोस्तों हिंदी साहित्य के नोट्स प्राप्त करना है, तो नोट्स भी दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं। हिंदी साहित्य के नोट्स जिनको भी वाई पोस्ट हार्ड कॉपी दोस्तों आपके लिए चाहिए है, ठीक है, हार्ड कॉपी, तो आप दोस्तों इन नोट्स के लिए अगर आप टीजीटी पीजीटी नेट डीएसएसबी एलटी ग्रेड केबीएस आरपीएससी एचपी टेट एच टेट मास्टर कैडर और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, तो आप हिंदी साहित्य के दोस्तों नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपके लिए बहुत सारी ट्रिक भी मिलेंगी, बहुत बीच बीच में आपको ट्रिक जहां जैसी ट्रिक निकलती है तो वो ट्रिक भी मैंने बनाने का प्रयास किया है इस नोट्स में, और मैंने खुद इन नोट्सों को टाइप किया है दोस्तों, कई पुस्तकों का इसमें संकलन किया गया और पूरे इंपॉर्टेंट फैक्टों को इसमें रखा गया है, ठीक है। तो जिनको भी नोट्स मंगवाना है ये नंबर दिए हैं आपको, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और हार्ड कॉपी दोस्तों अपने घर में मंगवा सकते हैं, ठीक है। लॉन्च हो चुके हैं ये नोट्स, इसका प्राइस आपके लिए रखा गया है दोस्तों 2100 रुपए। 2100 रुपए आपको पे करना है, इस नंबर पे फोन पे करना है, स्क्रीनशॉट देना है व्हाट्सएप पे और दोस्तों पूरा पता आपको देना है। ये आपके घर तक नोट्स पहुंचेंगे हिंदी साहित्य के, जिसमें आपके दो भाग रहेंगे दोस्तों। पहले भाग में आपका हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और पूरा साठोत्री कविता तक रहेगा। 15 दोस्तों चैप्टर पहले भाग में रहेंगे और दूसरे भाग में दोस्तों आपके 20 चैप्टर रहेंगे जिसमें आपका पूरा गद्य साहित्य रहेगा और दोस्तों पुरस्कार, निबंध और दोस्तों हिंदी में प्रथम पत्र पत्रिकाएं और प्रमुख कथन, ठीक है, ये रहेंगे। तो ये नोट्स जिसको भी मंगवाना है दोस्तों वो मंगवा सकते हैं। ये आपके लिए नंबर दिया है यहाँ पर, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों अपन पढ़ने जा रहे हैं और आपको यहाँ पर पढ़ना है आज में आपका जो पहला प्रश्न है, कुबलाय माला कथा के रचनाकार कौन है। फटाक से आपको चयन करना है, बताइए उद्धोतन सूरी हैं, मेरु तुंग हैं, दामोदर शर्मा हैं या फिर हेमचंद्र, कौन माने जाते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। कुबलाय माला कथा जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको यहां पर चयन करना है और एक बार जल्दी से लाइक कर देना है। कुबलाय माला कथा के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तब आपका उत्तर है कि सर उद्धोतन सूरी लगा दो, लगा दें उद्धोतन सूरी। तनु जी बहुत बढ़िया आंसर, अनुपम जी कि सर कुबलाय माला जो कथा ये जो रचना है ये रचना उद्धोतन सूरी की है, ठीक है। दामोदर शर्मा की तो अपन ने पढ़ी थी सर, उक्ति वक्ति प्रकरण पढ़ी थी, ठीक है। मेरुतुंग की अपन ने प्रबंध चिंतामणि पढ़ी थी, ठीक है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की एक रचना पढ़ी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है, एक नंबर है, यानी कि उद्धोतन सूरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, तो क्या है खालिक बारी, बताइए। पहेलियों का संकलन है, मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है या फिर मनोरंजन परक रचना है, ये आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में आपको बताना है प्रश्न नंबर 2 का आंसर और उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे यहां पर प्रश्न क्रमांक 2 नंबर का क्वेश्चन, आपको जल्दी से लाइक करना है। कुरैसी जी, खुसरो की रचना खालिक बारी ये वस्तुतः है, तो आपने बताया कि सर ये फारसी हिंदी शब्दकोश है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को दोस्तों जीव और परमात्मा के संबंध का
रूपक माना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। प्रश्न है आपका 3 नंबर, और 3 नंबर आपको बताना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है दोस्तों, लेकिन आप बता सकते हो कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, क्या आनंद कुमार स्वामी ने माना, या फिर दोस्तों शिव प्रसाद ने माना, या रामवृक्ष बेनीपुरी ने माना। तो ये क्वेश्चन शायद ही आपने पढ़ा हो पहले, लेकिन आपने अनुपम जी ने बताया कि सर 3 में आनंद कुमार स्वामी है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, आनंद कुमार स्वामी बी नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर बताया है अनुपम जी, वेरी गुड। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर का, सभी लोग बताएं जल्दी से, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया। 4th क्वेश्चन है, और एक बार लाइक भी करना है आप सभी को, और जल्दी से बताना भी है, जल्दी जल्दी बताएं। हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स प्राप्त करना है दोस्तों, नीचे नंबर चल रहा है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बाई पोस्ट नोट्स आपके घर भिजवाए जाएंगे, ठीक है। इसकी प्राइस रखी गई है मात्र 2100 रुपए, 2100 रुपए में इन नोट्सों के माध्यम से आप पढ़ सकते हो और अध्ययन कर सकते हो। तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको फिलहाल यहां पर, और आपका उत्तर है कि सर सिंधी का जो विकास माना जाता है वो ब्राचल अपभ्रंश से माना जाता है, यानी कि आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। बिहारी का बंगला उड़ा अवध में, मगध के बिहारी का बंगला उड़ा अवध में, ये मागधी से दोस्तों बिहारी बंगला है ना, उड़िया इन आदि इन बोलियों उपभाषाओं का जो जन्म हुआ था वो मागधी से हुआ था। पैसाची से पंजाबी और लहंगा का विकास हुआ था। अर्ध मागधी से बात करें तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था, है ना। अब क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बताओ। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्पा मौर्य जी, रानी तिवारी जी, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, संदीप सिंह जी बताइए, 5 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही अड़िया क्वेश्चन पूछा गया, डोगरी, संथाली, भोजपुरी या फिर बोडो, और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी लोगों का, जसमेल जी ठीक है कि सर यहां पर भोजपुरी लगा दो, यानी कि डी नंबर लगा दो, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, डी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग भी पूछ लिया गया आपसे, किस में उपसर्ग नहीं है बताइए, अपमान में, अपराध में, अपमति में, या फिर अपयश में, देखते हैं कौन बता रहा है सही आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर में आपको बताना है, बिल्कुल विश्वास जी, पंजाबी लहंगा के लिए पैसा चाहिए, 6 नंबर का क्वेश्चन, और सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आ गया कि सर नीतू गुप्ता जी बी नंबर बिल्कुल सही, अपराध, अपराध में उपसर्ग नहीं है, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर बिल्कुल सही है। जब हम दोस्तों शब्द को और उपसर्ग को अलग अलग करते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, यहां पर आपको अलग कर रहे तो राध का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, यानी कि यहां पर अप क्या है, उपसर्ग नहीं है, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। सब रस के रचनाकार कौन है, सब रस के रचनाकार कौन है, मुल्ला बजही है, कुली कुतुब शाह है, इंशाल्लाह खां है, सैयद हुसैन अली है, यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। 7 नंबर में आपको बताना है सब रस के रचनाकार कौन है। सब रस उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है दोस्तों, इसके रचनाकार मुल्ला बजी हैं, और आपको बताना है इसमें कि कौन है सबरस, ये आपका उत्तर है ये नंबर, यानी मुल्ला बजी, ठीक है, इसको याद रख लेना है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है सबरस, तो यहां पर उत्तर चला गया ये की तरफ चला गया आपका, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड गुड आंसर बता रहे आप लोग, ठीक है। अब यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, एक और सरल क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके साथ दोस्तों आपको यह भी बताना कि स्थापना कब हुई, किसने की, ये भी बताइए जल्दी से, प्रश्न क्रमांक 8 में, और जल्दी से लाइक कर दो सभी साथी, शेयर कर दीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, सन 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1857 में, या फिर 1900 ईस्वी में, ये बताना है। रमेश कुमार यादव जी बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोई कब हुई, 8 नंबर का क्वेश्चन है,
और 8 नंबर में आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा कि सर ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वो लॉर्ड बेलेजली ने की थी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कब की थी? सन 1800 ईस्वी में की थी, यानी कि आपका ये नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। बेकसी का मजार, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 9 का क्वेश्चन पूछा गया, बेकसी का मजार ये बताना है उपन्यास कौन से किसका है? अमृतलाल लांगर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री या फिर विष्णु प्रभाकर? बेकसी का मजार ये उपन्यास इसके लेखक कौन है बताइए। यहां पर सरबजोत जी, अनुज जी, विनीता जी, प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का क्वेश्चन है। डांसर जी भी आ गए हैं, डांसर शुभम जी बताओ बेकसी का मजार। और सर बेकसी का मजार का भी प्रताप होता है, बेकसी के मजार का क्या होता है? प्रताप। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव यानी कि दीपिका शुक्ला जी, बी नंबर जो आपने चयन किया है ये आंसर बिल्कुल सही है। बेकसी का मजार इस उपन्यास के रचनाकार प्रताप नारायण श्रीवास्तव है, बी नंबर आपका सही है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम संपादक पूछा गया है, तो देखते हैं कौन कौन सही बताएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन बताइए पूजा देवी जी, सही आंसर बताना है आपको। संतोष जी बताएं सही आंसर। सृष्टि ठाकुर जी, रंजना जी, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और सरस्वती पत्रिका 1900 में दोस्तों ये पत्रिका निकली थी, और इसी पत्रिका के निकलने के साथ ही द्विवेद युग की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, अब इस पत्रिका के संपादक कौन थे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो इस पत्रिका के जो संपादक माने जाते हैं, प्रथम संपादक पूछा गया, प्रथम, तो प्रथम में आप क्या लगाओगे कि सर हमें बाबू श्याम सुंदर दास लगाना है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी तो 1903 में बने थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे? 1903 में बने थे। फिर प्रथम कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। तो आपका सी नंबर जो है वो आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है बताइए लखविंदर जी। प्रश्न क्रमांक 11 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 11 का राइट आंसर क्या है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सोनू जी, रीना यादव जी, प्रश्न क्रमांक 11 में लाइक कर देना है, और जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं व्याकरण को भी पढ़ते रहिए साथ में जितना भी टाइम मिलता है। 11 नंबर और आपका उत्तर है कि सर वो है लोक ज्ञान। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का जो सही अर्थ है वो है लोक ज्ञान। क्या है रजनी शर्मा जी? लोक ज्ञान। ठीक है, बिल्कुल सही बताया है, लोक ज्ञान बताया, यानी कि सी नंबर तो आपका सही उत्तर चला गया, सी नंबर सही उत्तर। कौन मनोविश्लेषणवादी वाद से जुड़े विचारक हैं? प्रश्न क्रमांक 12 में मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक कौन माने जाते हैं? एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेकिन बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताएं, चयन करें एक बार, और दोस्तों एक बार शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक, जो भी हमारे साथी हैं सभी साथी आ जाएं और दोस्तों इस क्लास से जरूर जुड़े। मनोविश्लेषणवाद से विचारक से संबंधित जो विचारक हैं वो विचारक कौन है ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और आपका उत्तर है कि सर जो फ्रायड है, फ्रायड, फ्रायड नंबर सही है, बहुत बढ़िया। क्या है जल्दी से बताइए, यहां पर नहीं है पूछा सर, एडलर भी है, जुंग भी है, नहीं है पूछा, सॉरी प्रश्न में आपको लगाना है यहां पर नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं है पूछा है दोस्तों, ये नहीं यहां पर छुप गया, ये नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी नंबर सही चला जाएगा, डी नंबर सही चला जाएगा 12 नंबर का क्वेश्चन में, डी नंबर सही होता दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, सिगमंड फ्रायड भी हैं, एडलर महोदय भी हैं, जुंग भी हैं, ये भी मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो सार्थ महोदय हैं ये डी नंबर में, ये नहीं है, नहीं है पूछा था, नहीं छुप गया था, तो ये डी नंबर आपका सही है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है। प्रमोद सैनी जी, श्वेता जी बताइए 13 नंबर में सही आंसर क्या जा रहा है यहां पर 13 का, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं, और आपका देखते हैं कौन माने जाते हैं। सर गुणों की बात मत करो, बोले गुण कितने हैं, है ना, वो कौन डिसाइड करता है? बोले सर गुण कितने हैं, गुण कितने हैं ये 52 लोग बताते हैं, पंडित लोग बताते हैं,
तो यहाँ पर बामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य थे, यानी कि आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों वैदग्धा भंगी भरीति ये किसका सूत्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से वैदग्धा भंगी भरीति ये किसका सूत्र माना जाता है, क्वेश्चन बताना है आपको। वैदग्धा भंगी भरीति ये सूत्र किसका है, इस सूत्र आपको चयन करना है, कुंतक का है, भोज का है, राजशेखर या फिर पंडित राज जगन्नाथ का है। 14 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन सफल होता है। वैदग्धा भंगी भरीति ये सूत्र किसका है, 14 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर चला गया है एक की तरफ चला गया, सुषमा मौर्य जी बहुत बढ़िया, प्रीति पाल जी, कमला ठाकुर जी, ये नंबर सही है। कुंतक बोले सर वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जो आप वक्र रहे हो वो कान तक जा रहा है, जा रहा ना कान तक, ऐसा तो नहीं कि इस कान में जा रहा और इस कान से निकल रहा है, कान तक जा रहा है सर, निकल भरी रहा। ठीक है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में किस पर पड़ा, हठ योग का प्रभाव किस पर पड़ा, 15 नंबर का क्वेश्चन बताओ, हठ योग का प्रभाव किस पर पड़ा, 15 नंबर, स्वयंभू पर, घाघ भड्डरी, दहमाण या फिर गोरखनाथ पर, किस पर पड़ा अर्चना जी, जल्दी से चयन करिए, और लाइक नहीं, लाइक करिए जल्दी से फटाफट से, सभी लोग पहले लाइक कर दो, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन के बाद। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, और आपका उत्तर है सी नंबर, सी नंबर का है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों बढ़िया व्यवस्था हो गई, अब तो नोट्स भी लॉन्च हो गए हैं हिंदी साहित्य के, जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं अपने घर पर, है ना, 2100 आपको पे करना है दोस्तों, और आप नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं, प्रिंट आउट अपने घर पर मंगवा सकते हैं नोट्स के, ठीक है, हिंदी साहित्य के, जिसमें आपका गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों रहेगा, गद्य की अन्य विधाएं रहेंगी दोस्तों, पत्र पत्रिकाएं रहेंगी, उपनाम और शिष्य गुरु शिष्य रहेंगे, और प्रमुख कथन भी रहेंगे। यहां पर रामचंद्र शुक्ल का द्वारा स्थापित सिद्धांत कौन सा नहीं है, विसंगति बोध, लोक मंगल की साधना अवस्था, हृदय की मुक्तावस्था, वृद्धों का सामंजस्य, ये बताइए कौन सा शुक्ल जी द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। निशा वर्मा जी, प्रश्न क्रमांक 16 नंबर का क्वेश्चन है, और 16 नंबर में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर लोक मंगल की साधनावस्था ये तो है लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था भी है, वृद्धों का सामंजस्य भी है, और यहां पर रामचंद्र शुक्ल द्वारा विस्थापित, तो आपको ये विसंगति बोध, ये नंबर आपका जिन्होंने लगाया है, ये विसंगति बोध वाला जो सिद्धांत है ये दोस्तों शुक्ल जी द्वारा स्थापित नहीं है, यानी कि आपका उत्तर ये नंबर की तरफ जा रहा है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती, समय संकलन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, स्थान संकलन की, कार्य संकलन की, या फिर प्रभाव संकलन की, संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती, 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको सही उत्तर बताना है। देश काल और कार्य की एकता को दोस्तों क्या कहा जाता है, संकलन त्रय कहा जाता है। ठीक है, और किसकी गणना इसमें नहीं होती है ये पूछा गया, तो आपको समय संकलन होता है, स्थान संकलन होता है, कार्य संकलन भी होता है, लेकिन ये प्रभाव संकलन की नहीं होती, तो आपने बिल्कुल सही बताया सी नंबर, सी नंबर में टिक लगाया सुमन पाल जी, बिल्कुल सही है। ममता रानी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है, हिंदी जाति के, 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जल्दी से बताइए, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है ये बताइए, प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का क्वेश्चन है। और आपने पढ़ा होगा दोस्तों इनकी एक रचना, हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, ये रामविलास शर्मा की एक आलोचनात्मक कृति मानी जाती है, हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, ठीक है, किसकी, रामविलास शर्मा की। तो हिंदी जाति की अवधारणा के जो पुरस्कर्ता है वो रामविलास शर्मा है, और रामविलास शर्मा के बारे में याद रख लेना कि हिंदी जाति का साहित्य इसके जो दोस्तों रचनाकार हैं ये किनकी आलोचनात्मक कृति है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रामविलास शर्मा, बी नंबर आपका सही है। भाषा और संवेदना के लेखक कौन है, 19 नंबर का क्वेश्चन, भाषा और संवेदना,
भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? अनिल कुमार जी, रीमा यादव जी, जगदीश गुप्त हैं क्या, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं क्या, या फिर बताइए रमेश चंद्र हैं या फिर विजय देवनारायण शाही हैं, ये बताना है। भाषा और संवेदना के लेखक कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, मित्रों को शेयर कर दें। दोस्तों बढ़िया सा क्वेश्चन है, भाषा और संवेदना के लेखक कौन है, 19 नंबर का क्वेश्चन, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर भाषा और संवेदना, संवेदना कौन प्रकट करता है? बोले सर जिसको स्वरूप पता होता है, मैंने कई बार आपको बताया स्वरूप है, ठीक है। अब आपका जो अनजान व्यक्ति होता है, आपको कुछ हो जाए, आपके परिवार में कुछ हो जाए या कहीं भी कुछ हो जाए, अब जिसको जो स्वरूप पता रहता है तो दोस्तों क्या होता है, वो संवेदना प्रकट करता है। अब जो अनजान व्यक्ति जिसको पता ही नहीं, वो क्या स्वरूप संवेदना प्रकट करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर बी नंबर सही हो जाएगा, संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? 20 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर, नूतन ब्रह्मचारी पूछा गया है 20 नंबर में। तो बताइए नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास है, ठाकुर जगमोहन से है, बालकर्ण भट्ट है या फिर लज्जा राम मेहता है? 20 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे 20 नंबर में। एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो, हमारे जितने भी मित्र हैं जल्दी से लाइक करो। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार आपसे पूछा गया 20 में, और उत्तर चला जा रहा है आपका, यहां पर उत्तर जा रहा है कि सर ये नूतन ब्रह्मचारी नहीं, बोले सर ये बाल ब्रह्मचारी, बाल से बाल कृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी। तो सी नंबर आपका यहां पर सीधा जा रहा है, सही हो गया सी नंबर। अंगद का पांव के लेखक कौन है? 21 नंबर में अंगद का पांव, इसके लेखक कौन है? और ऐसे कितने साथी हैं जिनको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है दोस्तों, बताइए कितने साहित्य हैं, कितने साथी हैं जिनको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, ठीक है। नोट्स आप दोस्तों बाई पोस्ट मंगवा सकते हैं। अंगद का पांव के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, सरज जोशी, श्रीलाल शुक्ल, जल्दी से आपको बताना है। ट्रिकी नोट्स जिसमें दोस्तों जगह जगह पर जहां भी महत्वपूर्ण है वहां पर ट्रिक भी उसमें लिखी हुई है, किस प्रकार से आपको याद करना है, ऐसे नोट्स किसको मंगवाना है, अंगद का पांव के लेखक कौन है 21। और अपन ने पढ़ा था कि सर अंगद का पांव ये जो रचना है, ये रचना है श्रीलाल शुक्ल की, श्रीलाल, बोले अंगद का पांव डी नंबर, कोई लाल नहीं हिला पाया, अंगद का पांव कोई लाल नहीं हिला पाया। एक अंगद पेज अलग रचना है, एक अंगद पेज वो अलग रचना है दोस्तों, अंगद पेज किसकी रचना है? अंगद पेज बताइए, अंगद पेज किसकी रचना है, अंगद पेज किसकी रचना है? और यहां पर श्रीलाल शुक्ल, बोले कोई अंगद का पांव कोई लाल नहीं हिला पाया, लाल तो श्रीलाल शुक्ल की इसके लेखक हैं। अंगद पैज के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है, सतीश कुमार जी। उसके बाद कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको, और शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर बताओ, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? 22 नंबर का क्वेश्चन, और आपका प्रतिपरी कथा, झूठा सच, मेला आंचल या फिर गोदान, क्या लगाएंगे आप लोग सही आंसर? अंगद पैच के रचनाकार ईश्वरदास, बहुत बढ़िया आंसर। 22 नंबर का क्वेश्चन, और चला जाता है सी नंबर, बोले सर मेला आंचल जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु इसके रचनाकार हैं, इसका पात्र है, इस उपन्यास का पात्र है कौन? कालीचरण। यानी कि आपका यहां पर सी नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताओ कौन नहीं है हिंदी की, कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? कृष्णा सोपति, राजी सेठ, महाश्वेता देवी या फिर मधु कांकरिया? 23 का आंसर बताना अर्चना जी, बताइए। नामवर सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 23 नंबर का क्वेश्चन है, और बिल्कुल सही नंबर आप बताओगे, जल्दी से बताना है, और देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है 22-23 नंबर के क्वेश्चन में। दासु शर्मा जी ने डी बताया है, पूनम जी ने भी डी बता दिया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर जा रहा, महाश्वेता देवी। ये महाश्वेता देवी दोस्तों बंगला भाषा की उपन्यासकार मानी जाती हैं, डी नंबर आपका सही है, ये बंगला भाषा से संबंधित हैं, और ये जो है कृष्णा सोपति हिंदी से है, मधु काकरिया जी भी है, राजी सेठ भी है, ठीक है। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? 24 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया,
और मैंने कई बार आपको याद भी करवाया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं कुरेशी जी। तुलसीदास की वो रचना कौन सी है जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी है क्या, रामज्ञा प्रश्न है, पार्वती मंगल या फिर जानकी मंगल है? 24 नंबर का क्वेश्चन, तुलसीदास की वह रचना कौन सी है जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? ये आपको चयन करना है, ये आपको बताना है। और 24 नंबर के क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि सर तुलसी को वैराग्य हुआ है राम राम यह जानकी। ये वैराग्य संदीपनी जो कि ब्रज भाषा की रचना है, ब्रज भाषा की रचना है दोस्तों, ठीक है। और इसमें संत और महंतों, आपको पता है जब किसी व्यक्ति को वैराग्य होता है तो वो क्या बन जाता है? बोले सर संत बन जाता है, संत। तो संत महंतों के लक्षण किसमें वर्णित होंगे? बोले सर वैराग्य संदीपनी में होंगे, ठीक है। तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? 25 नंबर का क्वेश्चन, विनीता मणि जी, फिरोजपुरिया जी बताइए, 25 नंबर का क्वेश्चन है। ये नोट्स लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के, जिन भी साथियों को नोट्स परचेस करना है, ये दो भाग आपके नोट्स जो है लॉन्च हो चुके हैं वाले, तो जिनको भी परचेस करना है दोस्तों आप 2100 रुपए में नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर में बाई पोस्ट के माध्यम से। हिंदी साहित्य का पूरा, हिंदी भाषा से लेकर गद्य की अन्य विधाएं, पत्र पत्रिकाएं, सारे 35 टॉपिक इसमें कवर किए गए। तो जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है वो दोस्तों मंगवा सकते हैं, ठीक है। दृष्टकूट पदों की रचना किसने की, 25 का क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर है आपका बी नंबर, यानी कि सूरदास। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसके पहले दोस्तों एक बार लाइक जरूर करिए वीडियो को, ठीक है। और जिन भी साथियों को ट्रिक से पढ़ना है, लाइव क्लासों के माध्यम से पढ़ना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। सुख सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र हैं, बाबू हरिश्चंद हैं, मुंशी सदा सुखलाल हैं, ये आपको बताना 26 नंबर में। सुख सागर के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है, सभी लोग बताना है। बाय पोस्ट संपर्क कर सकते हैं कॉमेडी गुरु जी हिंदी साहित्य के लिए, जिनको भी नोट्स परचेस करना है वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स 2100 रुपए के हैं दोस्तों, जो आपको बाय पोस्ट आपके घर भेजे जाएंगे। सुख सागर के रचनाकार कौन है ये क्वेश्चन है 26 नंबर में, और 26 में आपको बताया कि सर यहाँ पर सुख सागर, तो ये सुखलाल की रचना है, सदा सुखलाल ने आज की, यानी डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये वाला बोधनी जो रचना है, ये जो पत्रिका है दोस्तों, ये महिलाओं से ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सी दोस्तों पत्रिका आदर्श कुमार जी महिलाओं से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका कौन सी है, तो आपका उत्तर होता है कि सर महिलाएं तो बाला पहनती हैं, बाला, तो यहाँ पर बाला बोधना, बाला बोधनी। बोले सर आप महिलाओं की बात मत करो, आजकल तो क्या है पुरुष भी बाला पहने, एक कान में नहीं दोनों में, ठीक है। तो बाला बोधनी ये महिलाओं से संबंधित पत्रिका है, और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद, जिनका जन्म हुआ था कब? 1850 में, ठीक है। और जय वर्धमान नाटक के रचनाकार कौन है? 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंददास या फिर उदय शंकर भट्ट? जय वर्धमान पूछा है, 28 नंबर में पूछा है, जल्दी से आपको चयन करना है, एक बार लाइक भी करना है। रामबत्ती जी, अक्षय जी, लखविंदर कुरैशी जी, निशा जी बताइए, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है। तो अनिल कुमार जी, जय वर्धमान पूछा है और आपका उत्तर चला गया है कहां पर? 28 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग अटक गए। मैंने कई बार आपको बताया है, ये नंबर बता दिया, बहुत बढ़िया। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है जय वर्धमान, ये नंबर लगाना है। रीमा यादव जी, मुकनद जी, राम कुमार वर्मा का मैंने याद भी करवाया कई बार, जय वर्धमान नाटक के रचनाकार राम कुमार वर्मा, ठीक है। मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? मुकुल नामक पंडित नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्लांचल या फिर सुमित्रा कुमारी चौहान? मुकुल नामक कविता संग्रह ये किस रचनाकार का है? ये 29 का क्वेश्चन पूछा गया। वीरेंद्र भारती जी, निशा सिंह जी बताइए, और जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, बताएं जल्दी से मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? 29 का क्वेश्चन, और सीधा उत्तर जा रहा है यहां पर कि सर डी नंबर लगा दो, सुमित्रा कुमारी चौहान लगा दो, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुकुल नामक कविता संग्रह सुमित्रा कुमारी चौहान का है। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 30 का क्वेश्चन, अमृतलाल लांगर है,
नगेंद्र है, बाल मुकुंद गुप्त है, या फिर यशपाल, यशपाल है, यशपाल जल्दी से बताना है, खोल दो। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब। प्रश्न क्रमांक आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया 30 में, चक्कर क्लब के रचनाकार जल्दी बताइए और एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। चक्कर क्लब आखिर इसके रचनाकार बोले चक्कर क्या है, 30 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर चला गया कि सर ये यशपाल, यशपाल का है ये सी नंबर, चक्कर क्लब, बहुत बढ़िया। चेखव एक इंटरव्यू, ये किसकी रचना है 31 में, चेखव एक इंटरव्यू, रणवीर रांगरा की, पद्मसेन शर्मा की, राजेंद्र यादव, या फिर प्रभाकर माचवे, चेखव एक इंटरव्यू, बताइए सरबजोत जी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31 में आपको बताना है चेखव एक इंटरव्यू, आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन 31 में, और सीधा आंसर चला गया कि सर सी नंबर लगा दो, राजेंद्र यादव लगा दो, चेखव एक इंटरव्यू की रचना है राजेंद्र यादव की, सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। जीतू जी संपर्क नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते हो नोट्स के लिए। यही रूपी, यही रूप, यही रूप शक्ति ओसियु, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, ये पंक्ति किस कवि की है? यही रूप शक्ति ओ जीव शिव, रही रूप त्रिभुवन कर जीव, ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? बताओ प्रमिला जी, सुरेंद्र नाथ जी, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये आपको बताना है। 30 नंबर का क्वेश्चन बताना है यहां पर, एक यही रूप शक्ति ओ शिव, यहां पर बताइए जल्दी से 32 नंबर में, और 32 का आंसर, 32 का आंसर आपका बी नंबर आपका सही है, तुलसीदास, ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं दोस्तों, तुलसीदास की हैं क्या? ये तुलसीदास की नहीं है दोस्तों, यहां पर प्रश्न गलत है, ठीक है, ये मंझन की पंक्तियां हैं, मंझन की पंक्तियां हैं, यहां पर विकल्प नहीं दिया है, यही रूप शक्ति ओ शिव, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, ये मंझन की मधुमालती से ली गई हैं, इसको याद कर लेना, ये मधुमालती से ली गई हैं, यहाँ पर विकल्प आपको नहीं दिया गया, मंझन की मधुमालती से, मंझन की मधुमालती से ये पंक्ति ली गई है 32 में, ठीक है, तो मंझन लगा देना। अब आपको बताना, जसोदा कहाँ कहो हो बात, तो मेरे सुत के कर्तव्य मोपे कहत कहे नहीं जात, ये पंक्तियां किसकी हैं? 33 का आंसर बताइए, 33 नंबर में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। जसोदा कहां कहो हो बात, तुमरे सुत के कर्तव मोपे कहत कहे नहीं जात, ये पंक्तियां किसकी हैं? चार विकल्प दिए गए आपको, चार में से चयन करना, अनीता सिंह जी बताइए, और सीधा आंसर जा रहा कि सर यहां पर ये जसोदा कहां कहो हो बात 33 में, और ये पंक्तियां जो हैं, ये पंक्तियां हैं चतुर्भुज दास की, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, उसके पहले दोस्तों आपको लाइक करना है और जल्दी से, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये पंक्तियां बताइए, पंक्तियां किसकी 34 में, आकांक्षा गुप्ता जी, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये 34 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये पंक्ति ली गई हैं कहां से ली गई हैं, ये पंक्ति देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है, बताइए। कॉमेडी गुरु जी, वीरेंद्र जी, ममता मेहता अधिकारी जी, 34 नंबर में है अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, और आपका उत्तर है कि सर ये जो पंक्तियां ली गई हैं ये कामायनी से ली गई हैं, कहां से ली गई हैं, कामायनी से, कामायनी में 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग के ईड़ा सर्ग से ये पंक्तियां ली गई दोस्तों, और यहाँ पर ये पंक्तियां किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, ये जयशंकर प्रसाद की, यानी कि आपने ये नंबर लगाया है। रेखा सरोज जी, रीना यादव जी, लाली जी, बिल्कुल सही है, ये नंबर जिन्होंने भी लगाया है। नेक्स्ट, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो कौन सी कहानी नहीं है? राजा निर्वसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, या फिर कस्बे का आदमी। 35 नंबर का बताइए, कॉमेडी जी, सतीश जी, आसू जी, लवली जी, प्रश्न क्रमांक 35 में, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो सभी साथी, ठीक है, और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे वो सब्सक्राइब कर लो, पहले सब्सक्राइब,
कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है ये 35 नंबर का क्वेश्चन। तो आपका उत्तर है कि सर राजा नरबसिया तो है, मांस का दरिया भी, कस्बे का आदमी भी है, ये नरबसिया है, कमलेश्वर की कहानियां है। लेकिन एक और जिंदगी, ये एक और जिंदगी दोस्तों 35 में आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना एक और जिंदगी ये मोहन राकेश की कहानी है। किसकी है? मोहन राकेश की। ठीक है, तो आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी ये नहीं है एक और जिंदगी, फिर ये किसकी है? ये मोहन राकेश की है। ठीक है, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया पत्र संवाद से भी। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद करके ये दोस्तों, तो किनके बीच लिखे गए पत्रों का ये संग्रह माना जाता है मित्र संवाद। 36 का क्वेश्चन और 36 में मित्र संवाद ये जो पत्र साहित्य है ये किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है ऐसा पूछा गया विजय ओझा जी। तब आपका सही आंसर कहां जा रहा है? कहां जा रहा है 36 में? बोले सर ये जा रहा है हमारा एक ही तरफ लगा दें। बहुत बढ़िया, राम विलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, ये नंबर बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? 37 नंबर में कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? ये क्वेश्चन गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा या फिर यही सच है, ये बताना है कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है ये आपको बताना है। साथियों मैं बता दूं कि नोट्स लॉन्च हो चुके हैं आप लोगों के हिंदी साहित्य के। ठीक है, हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर मंगवाने के लिए आप लोग दोस्तों 2100 रुपए में परचेस कर सकते हैं। परचेस कैसे करना है आपको नंबर दिए हैं नीचे, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर, पता आप देकर के। वृंदावन लाल वर्मा की पूछा गया यहां पर 37 नंबर का क्वेश्चन और उत्तर है आपका बी नंबर, भुवन विक्रम। भुवन विक्रम एक कृति है वृंदावन लाल वर्मा की। रश्मि पाठक जी, आकाश साक जी, बी नंबर आपका सही है। इनमें जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? 38 का क्वेश्चन, जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? ये 38 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताओ। जीवनी परक खंजन नयन तो है, मानस का हंस भी है, पहला गिरमटिया या फिर भूले बिसरे चित्र, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है निशा सिंह जी, बताओ 38 का। और सेल्फ स्टडी क्लासेस में जिनको भी दोस्तों पढ़ना है लाइव क्लासों के माध्यम से, ट्रिकी क्लासों के माध्यम से, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर जीवनी परक उपन्यास नहीं है पूछा है। देखो खंजन नयन तो है, सूरदास के जीवन पर आधारित है, मानस का हंस भी है, और कौन सा नहीं है 38 में, तो ये पहला गिरमटिया भी है, ये डीन अन्य भूले बिसरे चित्र। ठीक है, भूले बिसरे चित्र नहीं है, बोले सर ये तो भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, ये भगवती चरण वर्मा का माना जाता है भूले बिसरे चित्र, डी नंबर। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक पूछा जाता कि कौन सा अधूरा है, अब पूछा जाता है कि कौन सा अधूरा नहीं है, ये पूछा जाता है अनुराग जी। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा। विभा पांडे जी, प्रश्न क्रमांक 39 में कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है ये पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। और इरावती तो है, मंगलसूत्र भी है, बोले सर चोटी की पकड़ भी है क्या, या फिर रत्ना की बात। तो 39 में आपने उत्तर बताया है कि सर इसको आपको याद रख लेना कि ये जो रत्ना की बात है रांगे राघव द्वारा लिखित है, ये अधूरा नहीं है, ये पूर्ण है। बाकी मंगलसूत्र ये दोस्तों अधूरा है, इरावती जयशंकर प्रसाद का ये भी अधूरा है, चोटी की पकड़ निराला का ये भी अधूरा है, और मंगलसूत्र प्रेमचंद का ये भी अधूरा है। ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक और अच्छा क्वेश्चन अरविंद जी बताइए, लगता नहीं है दिल मेरा। अंकित कुमार, अंकित जी बताएं जल्दी से। आरती जी, सुनीता जी, दीपिका जी, विभा जी, बिंदु लता जी, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। मन्नत जी, 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, और लाइक जरूर करिए सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, और जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी ना चूकना, होली का ऑफर भी आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़िया ऑफर आएगा होली के लिए। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है, 40 नंबर का क्वेश्चन, और उत्तर हो जाएगा कि सर लगता नहीं है दिल मेरा किसके बिना, कृष्ण के बिना। कृष्ण के बिना तो कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्ण के बिना तो कृष्णा अग्निहोत्री, 40 नंबर का ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से दोस्तों आपने पढ़ा है, और दोस्तों इतने अच्छे से आपने देखा यहां पर ये हिंदी साहित्य का दोस्तों
ऐप जो नोट्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें फर्स्ट पार्ट में आपको हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, ठीक है, छायावाद योग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, साठोत्तरी कविता, ठीक है, इनके बारे में फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में गद्य साहित्य में, गद्य साहित्य का विकास, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, गद्य साहित्य है ना, पत्र पत्रिकाएं सेकंड पार्ट में। तो ये दोनों पार्ट आप लोगों के लिए 2100 रुपए में दोस्तों आप अपने घर पहुंचा क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए नंबर दिया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एंटीग्रेट, केवीएस, आरपीएससी, एचपी टेट, एच टेट, मास्टर कैडर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये संपर्क कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे 9098, ठीक है। और दोस्तों मंगवा सकते हैं नोट्स को अपने घर में, घर में भी आप पढ़ाई कर सकते हो हाईलाइटर से, ठीक है। और जिनको भी दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस में आप ले सकते हैं, ठीक है। अनिल कुमार जी, मंजू जी, जसमेल, रौनक जी, ब्लॉग, अमन जी, निष्ठा जी, रेखा जी, मन्नत, दारसू जी, ममता रानी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, अध्ययन करते रहें, पढ़े रहें, पढ़ते रहें दोस्तों, ठीक है। रेखा जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, तो सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। मुक्ति, मुक्ति तरसी, ठीक है, रिंकी जी, विजय जी, ममता, पुष्पा जी, कॉमेडी, पायल रानी जी, अनुराग जी, सरोज जी, विजय ओझा जी, अर्षदीप जी, सतीश कुमार जी, बिंदु लता जी, ठीक है, अनिल कुमार जी और लिटिल जी, बहुत बढ़िया, ममता जी, सभी को धन्यवाद। विश्वास मलिक जी, जय हिंद।